I know this about you, कि आप अहमदाबाद से हैं, आपके dad song writer हैं, you were performing on stage, मतलब पूरे बचपन में participating, competition, जीतना हारना सब लगा हुआ था. But do you remember that one particular show जिसको जीतने के बाद you felt कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं गाने वाला हूँ, I'm going to make it big, मैं मुंबई जाऊँगा, I will try, मुझे इस profession को और भी आगे लेकर जाना है. One that moment, one show. I have three similar moments. Okay, similar three moments. So first time when I went on stage, तो मैं मेरे सारे दोस्तों को लेके गया था. My first show, first audition kind of thing. There was some basic कुछ event चल रही थी. And I went on stage और मैंने गाना गाया था. कौन सा? ये. भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना. तो तब मुझे म्यूजिक का उतना नॉलेज नहीं था कि पीछे जो बैंड होता है उसको जाके स्केल बताना होता है. अच्छा. या उनको पता होना चाहिए रिहर्सल्स क्या होता है. मुझे वो तब मैं आई वाज वेरी यंग आल्सो, आई वाज इन एट, वेरी यंग. तो मैं सीधा माइक लिया और मैं नर्वस, मेरे पैर थोड़े ऐसे ऐसे हो रहे और मैंने गाना शुरू कर दिया भीगी भीगी, एंड बैंड म्यूजिक कहीं और प्ले हो रहा है, मैं कहीं और गा रहा हूं. और मुझे मुझे वो सामने वाले जो जज बैठे थे, पता नहीं समबडी इन अहमदाबाद, उन्होंने बोले क्या आप सिंगर नहीं बन सकते, आप कुछ और ट्राई करिए इससे. हाँ कुछ. मैं बोला भाई मैं यही पूरा दिन यही करता रहता हूँ, मुझे यही बनना है. बोले नहीं आप, वी आर सो सॉरी, यू आर नॉट अ सिंगर, ऐसे करके और सारे मेरे दोस्तों के सामने मुझे इंसल्ट करके नीचे उतार दिया. नीचे उतार दिया. हाँ उतार दिया. मैं आई वॉज और मैं डिप्रेस नहीं होता, मैंने दिल पर ले लिया. मैंने बोला पहले इसको मारूंगा और फिर मैं आगे अपना करियर तो मैं करता हूँ, पहले इसको मैं मारूंगा. I waited for the last. और मैं गया, मेरे को इधर आओ आप सब, वो जो जो there was a boy, तो उसको साइड में बोला, but he acted so decently, उसने बोला कि आपने आज शायद आप गा भी सकते हो, not on me. फिर पता नहीं उसको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ होगा. तो उसने प्यार से मुझे समझाया कि आपने शायद आज अच्छा नहीं गाया. बट मैं जब भी when I मैं कभी हार जाता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर. उसके बाद देन आई वेंट फॉर अहमदाबाद टाइम्स हंट, जिसके अंदर भी मैं नहीं जीता था. दैट्स द प्लेस आई लॉस्ट अगेन. आई वॉज हार्ट ब्रोकन बिकॉज बहुत मेहनत की थी. देन तो आई थिंक इंडियाज रॉ स्टार हैपेंड. इंडियाज रॉ स्टार ऑल्सो आई डिडंट विन. How did it happen? किसने बताया ऑडिशन है, जाओ पार्टिसिपेट करो? So actually I got a call, ऐसी कॉल आया कि ऐसा एक शो आ रहा है. So would you like to participate? I said Hani Singh is going to be there. मैंने बोला see I'm not into all this. मुझे interest भी नहीं है, मुझे reality show अच्छे भी नहीं लगते. I don't like because वो गलत हैं, fake हैं, ये सब वो इधर. उन्होंने कहा ठीक है, but ये it's a different show और जहाँ पर आप खुद के गाने गा सकते हैं. मैंने बोला अच्छा. अच्छा that was something जिसने आपको. हाँ. like, मैंने कहा तो I'll try. Then I gave auditions, then I got selected in top 40, top 20, 20 लोगों को घर में ले गए. उसके बाद 10 लोगों को सिलेक्ट किया घर के अंदर. हमारा सीक्रेट, they were noticing, observing me, and then 10 people got selected and they went on television. That's and your how. track was meri pehli mohabbat. हाँ. हो जाए थोड़ा सा. Yes. मेरा दिन भी तू, मेरी शामें तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले. 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो. मेरी पहली मोहब्बत है वो. अपने दिल वापस ले लिया गाने के बाद. नहीं नहीं, ये दिल मैंने संभाल कर रखा. संभाल कर रखा. वापस पकड़ूंगी, लेके जाना पड़ेगा. 100% दिल पे ले लूंगी मैं अगर. नहीं नहीं, मैं दिल ले लूंगा. सो हाउ वाज इट जब पहली बार ये गाना, अपना गाना स्टेज पे गाया, वो दिन कैसा गुजरा था? वो दिन कैसा था? माय मॉम यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग. तो मेरी मॉम, मुझे हर गाना मेरी मॉम यूज्ड टू टेल मी, ये गाना तुम्हारा अच्छा है, ये गाना अच्छा नहीं है. शी टोल्ड मी दिस इज अ वेरी नाइस सॉन्ग. मैं कहा अच्छा. So there's an incident also. जब मैं first time I was performing on television, तो मैं बहुत ज़्यादा nervous था. मेरे पसीने छूट रहे. आज तक वो episode में मैं दिखता हूँ, I was nervous. Somebody came to me, my very good friend of mine came to me and said, "Okay, listen,
रिलैक्स कर, एक मेरा सिर्फ छोटा सा काम कर देना आज, कि जितनी गलतियाँ तूने अभी तक की वो सारी गलतियाँ आज रिपीट कर दे स्टेज पर, पीपल विल लव यू फॉर योर मिस्टेक्स, एंड आई परफॉर्म्ड एग्जैक्टली द वे आई परफॉर्म, जो मैंने नोट मुझे बोले गए थे नहीं लेने वही मैंने लिए और मैंने वही गाया जो मुझे गाना था, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लव्ड. सो आई रिमेंबर वो पूरा मैं पहली मोहब्बत के शूट के लिए मैं बहुत ज़्यादा शौक था, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पर तो हमारा क्या होता है बजट होता है 2000 रुपये, उसमें 1000 रुपये का डीजल था, 1000 रुपये दोस्त शूट करेगा कैमरा ये वो है, आई ओके 5D पर शूट करेंगे. सो व्हेन आई केम टू रॉस्टार तो मुझे कहा गया आपका हम म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, प्रोमो म्यूजिक वीडियो. मैंने कहा ठीक है. तो नेक्स्ट डे व्हेन आई गो अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, आई हैव अ वैनिटी, 150 पीपल वर्किंग फॉर मी, और मैं साइड में जाके पूछता कि मुझे भैया थोड़ा पानी मिल पाएगा, अरे स्पॉट. और चार जने यहाँ दौड़ के आना, हाँ बोले पानी तो पानी, सर के लिए जूस. तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, आई वॉज स्माइलिंग वॉज हैपनिंग, देयर वर सो मेनी पीपल, 150 पीपल. और शूट के बाद एक इंसान ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट थैंक यू सो मच सर, आपके वजह से आज 150 लोगों को एक दिन का खाना और घर का आपको पैसा मिला. सो आई वॉज वेरी हार्ट टच्ड बाय दैट थिंग. Did you cry and all? Did you get emotional? नहीं उतना मैं रोया तो नहीं है, but I think ये सारी चीजें आप watching अपने वीडियो को देखकर ऐसे अच्छा फील. नहीं वो वीडियो देख के बाद उसका रिस्पांस आई थिंक वही वही वो पढ़ रहे थे वीडियो को लाइक चेकिंग कौन क्या लिख रहा है कौन क्या स्टार्टिंग में तो बहुत हाँ? बहुत ज्यादा हाँ? हर चीज में, और अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ गया तो बहुत ऐसे चोट. मैं थोड़ा अलग किस्म का हूँ, मुझे चोट से ज्यादा मुझे वो गुस्सा आता है कि अरे इसको ढूंढो ऐसा वाला. अच्छा, इसको पकड़ेंगे पहले तो मैं इसे पीटूंगा पीटूंगा वो मैं पूछूंगा हाँ. कि तेरे को ये प्रॉब्लम लिखा क्यों. और मैंने अहमदाबाद में इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आई वाज सेइंग आल्सो कि जब कमेंट्स कम थी व्यूज कम थे और रीजनल अहमदाबाद में ही करते थे तो इट वॉज ईजी टू फाइंड, तो मैंने लोगों को पकड़ा भी है. Note. और कुछ बहुत ही कुछ गंदी कमेंट की थी, आई कॉल दैट बॉय ऑल्सो विद माई फ्रेंड्स आई वेंट, एंड छोटा सा बच्चा निकला मैं तो भाई व्हाट आर यू डूइंग. और फिर वो वही सब वो डराना लड़कों को, और वो गुजरात में थोड़े वैसे आई वाज लाइक दैट विद ग्रुप, कोई विश्वास नहीं कर सकता. लुक एट योर भोली सूरत, डिसीविंग फेस आई हैव. वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग, मेरा प्रोमो लाइन दर्शन रावल ने कन्फेस किया रेड एफएम 93.5 पे दैट ही हैज अ डिसीविंग फेस. किसी को नहीं बोला रॉस्टार का लास्ट दिन था, और हमको लगा कि शायद हमको वापस भेजेंगे या कुछ अरेंजमेंट होगा. सो लास्ट 30th को था शो, एंड फर्स्ट ऑफ दिसंबर हमको 1:30 बजे कॉल आता है कि आपको 2 बजे तक घर खाली करना है. घर खाली, अच्छा दैट वाज द बिगिनिंग. हाँ तो घर खाली, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे. हाँ. मैंने कहा और फिर कहाँ जाना है. बोले क्या सोचा था. हाँ, मैं क्या सोचा था. बोले कि आपको यहाँ शिफ्ट करेंगे आपकी. हाँ. कुछ ग्रूमिंग होगी ये होगा. हाँ. बोले कि नहीं बस आपको घर जोड़ना है. Then I called a friend of mine. बोला ऐसा बोला है. बोले कोई नहीं अब मुंबई में अब मेरे माई मॉम वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मैं I didn't win. तो मैंने उनको because she was very upset, मैंने बोला आप लोग जाओ मेरा यहाँ पर अभी हो जाएगा सबसेट है. uh-huh. I called a friend जिसने मुझे बोला कि अरे come in, no, मेरे पास रह जा थोड़ी दिन जब तक सब. और मुझे लगा कि after Rockstar I am a big star. I am मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं 15-20 पिक्चरों के लिए गाने गा दूंगा एंड आई एम गोइंग टू बी अ रॉक स्टार सुपरस्टार. ये मेरे दिमाग में था. दिमाग में था. okay. और पहले हफ्ता तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था करना क्या है. हाँ, किससे हाँ, मिलना हाँ, है हाँ. क्या करना है. घर नहीं कुछ हाँ. नहीं. एंड मैं पहले से आई रिमेंबर आफ्टर 12th आई स्टॉप आस्किंग मनी फ्रॉम माय फादर. ओके. आई टू डू शोज मैं खुद ही पैसे करता था. तो मैं पैसे नहीं मांगता था बिकॉज मुझे अंदर से खराब लगता था. आप कैसे मतलब? अब धीरे धीरे मेरे अकाउंट में कुछ 10-12 हज़ार रुपये ही थे अब. हाँ नहीं लास्ट तो कहाँ जाता है. आई टेल यू वेयर. धीरे धीरे खाना पीना घूमना यहाँ जाना वहाँ जाना पैसे खत्म होते गए. एंड आई रिमेंबर 400 रुपीज 19th of December 400 रुपये मेरे अकाउंट में बाकी थे. मैंने बोला अब डैड को कॉल करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा थोड़े टाइम के लिए बिकॉज शोज कुछ नहीं था कुछ नहीं.
और उस वक्त दोपहर को आई गेट अ कॉल के बोले वो आपका पहला शो लॉक हुआ है सो आप एडवांस लेके जाओ 2,50,000 रुपए। ओ गॉड, मैंने सीधा ब्रोकर को कॉल किया कि भाई मेरे को सी फेसिंग व्यू वाला एक घर चाहिए। बोले सर घर रेडी है। मैंने बोला मॉम डैड 24 को आ रहे हैं 25 को आ रहे हैं तो उसके पहले सब करना है। अब गया, अब उसमें भी मैं देखने नहीं गया, मेरे शोज थे, पैसा वैसा मैंने दे दिया, मुझे घर दिखाया। बोले सर ये है आपका घर जिसमें सी फेसिंग व्यू है। मैंने बोला सी किधर है भाई? उसने कहा वो अंदर वाली विंडो से नीचे से थोड़ा सा इतना सी दिखता है। मैंने कहा ठीक है अभी के लिए, अभी के लिए ठीक है। सो आई थिंक इट स्टार्टेड वेरी फनी बट आई हैड रियली जो रोस्टर में जो टीम थी, द टीम फ्रॉम चैनल साइड, द टीम फ्रॉम प्रोडक्शन, दिस पीपल रियली हेल्प मी आउट अ लॉट। जो लोग जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, जो एक जो रूटीन प्रोडक्शन टीम होती है रियलिटी प्रोड्यूसर्स, वो लोगों ने आई थिंक दे रियली हेल्प मी आउट एंड थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग इन माय फेवर। देन तब से काफ़ी, देन आई स्टार्टेड डूइंग शोज, आई स्टार्ट अर्निंग, घर चेंज किया, दूसरे जगह पर अच्छे वाले घर में रहने गया, फिर खुद का घर खरीद लिया। खरीद लिया हाँ। So bought my, listen, we need to do this. Mumbai mein. Epic. Yes. Awesome. Yeah. 95.5 RedFM. Bajate raho.